Hi everyone, this is Ara, and I want to welcome to the program. I'm excited to help you accelerate your online freelancing journey and results. Whether it's your first day of freelance online, uh, your third month or your third year, you are here because you want the same things, namely more good clients and quality jobs, less time spent doing uh, work you don't get paid for. And the ability to command higher than average or even premium fees. Um, okay, that's exactly what what I'm going to show you how to do. And and I'm gonna share every single strategy with you that I have applied to generate um, maximum amount on upwork or fiverr. All right, I mean, think about it. You cannot go to anywhere like upwork or fiverr and find thousands upon thousands of jobs posted each day by clients who are looking to hire freelancers just like you at all levels of pay skill and experience from entry level all the way up to a seasoned expert and um, everything in between. Um, this type of targeted 24 by 7 access to qualified paying clients was completely unheard of just a handful of years ago. Uh, back then, you had to find clients from scratch. Uh, this meant cold contacting uh, them by phone or email, pounding the pavement and uh, networking meetings and seminars, or pouring lots of money into marketing. But these days, um, these platforms like Upwork and Fiverr has totally changed the game, making it faster, easier, and cheaper than ever for all of us to connect with great clients. All right. You must be wondering Main English I English. We come freelancing freelancing और हम लैंग्वेज बैरियर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते मुझे डेली बेसिस पे डीजी मास्टर्स के प्लेटफॉर्म पे आप क्वेश्चंस आते हैं मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ मैं uh, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ सक्सेसफुल नहीं हूँ अच्छा सबसे पहली जो बेसिक चीज है जो आपने गेन करनी है दैट इज टू रिमूव द लैंग्वेज बैरियर चूंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन उन पे इंग्लिश ही लैंग्वेज चलती है तो आप लोगों को अपनी इंग्लिश अच्छी करनी होगी देखें एजुकेशन फर्स्ट शर्त है आप एजुकेटेड हैं तो डेफिनेटली आप लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना स्पेशली इंग्लिश अगर आप पाकिस्तानी हैं एजुकेटेड हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए हमारे हाँ एजुकेशन सिस्टम ही ए, में इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है चाइनीज वगैरह की तरह सिस्टम नहीं है तो इंग्लिश आप लोगों के लिए इजी होनी चाहिए इफ यू आर एजुकेटेड मैं आप लोगों के क्वेश्चन के हवाले से भी वीडियो इंक्लूड करूंगी और हम लोग देखेंगे आप लोग कि आप लोगों के क्वेश्चन किस हद तक वैलिड होते हैं और क्या चीज है जो आप लोगों को इम्प्रूव करने की नीड है फ्री uh, में सक्सेसफुल होने के लिए वट इज फ्री अपनी मर्जी की जगह पे बैठ के अपनी मर्जी की शराय के साथ करते हैं उससे हट के काम भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप प्लम्बर हैं ऑनलाइन आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ आप किसी के अंदर काम नहीं करे कोई client क्लाइंट आएगा आपसे सर्विसेज लेगा आपको Uh, बताएगा कि मैं इतना पे करूंगा आपकी डील हो जाती है उसके साथ डन आप um, जो एग्रीड टाइम है डे है उस पर जाएंगे सर्विस देंगे जो पेमेंट डन हुई थी वो लेंगे और वापस आ जाएंगे दैट इज आल्सो फ्रीलांसिंग बट हम यहाँ पे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं जो हम डिफरेंट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग लासिंग प्लेटफॉर्म जाके कर सकते हैं लाइक फाइवर अपवर्क फ्रीलांसर डॉट कॉम और इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से प्लेटफॉर्म है तो फ्रीलांसिंग आपको क्लियर हो गया होगा हम जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात करें अब मैं फ्रीलांसिंग कहूंगी तो उसका मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग ही होगा so, सो um, अः जो सर्विसेज दे रहे हैं इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं और नेक्स्ट uh, वाई फ्रीलांसिंग आंसर आप सबको पता है Why not freelancing? अगर आपके पास हैं और आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो फिर फ्री लांसिंग इज अ गुड ऑप्शन इज एक्चुअली अ बेस्ट ऑप्शन बिकॉज हम लोग uh, देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे जा रहा है ग्लोबली ऑनलाइन बिजनेसेस ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस को डेफिनेटली ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो ऑनलाइन उन्हें उनके बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प कर सके कैन डू फ्रीलांसिंग आई यू हमने लास्ट वीडियो uh, में जो सबसे ज्यादा बात डिस्कस की थी वो यही थी कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जो इंसान ये जज कर ले कि मैं कोई एक स्पेसिफिक स्किल गेन कर सकता हूँ ये मेरा इंटरेस्ट भी है मेरा शौक़ है और मेरी एजुकेशन भी मुझे अलाउ करती है कि मैं इस स्किल के साथ अटैच हो सकूं और या फिर जो कहते हैं कि मेरे पास स्किल है स्किल का होना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एजुकेटेड होना आई आई रिमेम्बर वन मैसेज फ्रॉम अ स्टूडेंट ये आस्क मी के मैं uh, मैंने मिडिल किया व एर्थ क्लास आई डों वो एर्थ क्लास की स्टूडेंट थे या वो एर्थ um, एज उनकी ज्यादा थी लेकिन मिडल पास थे आई डोंट नो बट आई एम रियली वेरी सॉरी इफ यू आर एर्थ क्लास पास एंड यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग

ऐसे एजुकेटेड पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं जिसको आप पार्टनरशिप पे रख लेके काम मैं करूंगा तुमने क्लाइंट के साथ डील करना है और जो जॉब्स हैं वो लेकर आनी है काम सारा मैं करूंगा और हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं जो हमारा काम होगा उसमें इतने परसेंट तुम्हारा इतना परसेंट मेरा तो ये चीज हो सकती है लेकिन फिर भी आप अगर खुद एजुकेटेड नहीं है फिर भी आपको एक एजुकेटेड पर्सन की जरूरत पड़ेगी दिस इज मैंडेटरी आप ऑनलाइन बैठे हैं और आप समझें कि आप एजुकेटेड नहीं है और आप किसी क्लाइंट को ये बात इस पे एग्री करवा सकते हैं कि आप ये काम जानते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल इवन एजुकेटेड लोग भी इस चीज में बिल्कुल भी महारत नहीं रखते कि वो क्लाइंट को अपनी बात से मनवा सके कि वो वाकई स्किलफुल लोग हैं इवन एजुकेटेड लोगों को भी जरूरत पड़ती है उन लोगों की जो सीवी लिख के दें प्रपोजल बना के दें कवर लेटर राइट करके दें और फिर उनको कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करें तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें एजुकेटेड लोग भी मैक्सिमम एजुकेटेड लोग फेल हैं जिसकी वजह से वो फ्री सही नहीं कर पाते तो कैन डू फ्री एजुकेटेड होना जरूरी है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड स्किल स्किल सेट के बगैर आप फ्री नहीं कर सकते कभी भी अगर आप आ, सोच रहे हैं कि हम आउटसोर्स कर लेते हैं स्किल किसी का हो जाएगा मैं आउटसोर्स कर लूंगा तो भी आपको एक स्किल की जरूरत है जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है इस स्किल का आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आपने आउटसोर्स करना है आपको आउटसोर्सिंग के तमाम स्ट्रेटजीज कंडीशन पता होनी चाहिए इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का सही तरह से नॉलेज होना चाहिए ये एक्सपीरियंस के साथ भी आता है और बाकी आपको अगर आप आउटसोर्सिंग को स्टडी करें तो ये आइडिया आज से बहुत सालों पहले का आपको मिलेगा जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे आउटसोर्सिंग का आइडिया तब का है तो इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है तो सोचें इसमें कितनी कितनी एडवांस स्ट्रेटजीज आ चुकी होंगी तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास स्किल नहीं है फिर भी आप स्किल वालों को रख के काम कर सकते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट फिर आउटसोर्सिंग का स्किल आपके पास होना चाहिए हु कैन डू फ्रीलांसिंग स्किल होना चाहिए एजुकेशन होनी चाहिए फिर उसके बाद आपके पास फ्रीलांसिंग का स्किल भी अलग से होना चाहिए एक वो स्किल जो आपने फ्रीलांस करना है और एक वो स्किल जो आपने जिसकी हेल्प से फ्रीलांस करना है यानी फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल सेट हो गया देन फ्रीलांसिंग आपको नॉलेज होना जरूरी है कि फ्रीलांसिंग की किस्सा जाती है ये गाइस दिस इज अ वेरी डीप स्किल इट मस्ट बी इन योर हैंड टू बी सक्सेसफुल ऑन फ्री लांग मार्केट प्लेसेस एड I'm sorry. हम बात करेंगे Amazon freelancing के ऊपर बिकॉज वी हैव रिलेटेड टू है हम बहुत से स्किल सेट सीख चुके हैं अपने प्रीवियस में एंड आई आई एम श्योर अगर आपने वाकई तमाम वीडियोज लेक्चर्स सही ध्यान से, से लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया है प्रैक्टिकली देन यू आर सुपर Uh, मैं आप लोगों के लिए क्लैप करना चाहूंगी और right, अब आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे अमेजोन फ्री के हवाले से अमेजन फ्री लासिंग क्या है तो मुझे इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपके पास सब स्किल्स पहले से मौजूद हैं। अब आप जाके इन स्किल को सेल कर सकते हैं मार्केट प्लेसेस पे और मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प जितनी हो सकी ऑनलाइन जितनी पॉसिबल होगी मैं यहाँ पे आपको करूंगी और बाकी अगर क्यूरीज होंगी आपकी तो वो हम डील करते रहेंगे एनीवेज um, सबसे पहले फ्रीलांसिंग के लिए रिक्वायर्ड स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एक स्किल ओरिएंटेड सेकंड मार्केट ओरिएंटेड देखिए आप को अपनी जो सोच है उसको इस तरह से मेक करना पड़ेगा कि आपको फोकस होना है फोकस इज एवरीथिंग एवरी स्किल ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए और मार्केट ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी मार्केट को हिट करना है अगर मैं फ्री कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स मार्केट को हिट करना है फ्री लांसिंग मार्केट को हिट करना है आपका कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आप फ्री लासिंग करना चाह रहे हैं देखिए यहाँ मैंने ई कॉमर्स मार्केट और फ्री लांसिंग मार्केट को सेपरेट क्यों किया है क्योंकि फ्री लांसिंग के अलावा भी जगह है जहाँ पे जिन कुछ वेज हैं जिनके थ्रू आप अपना वर्क फ्री कर सकते हैं एक स्किल होना चाहिए कि कौन सा स्किल है एक स्किल पे फोकस करें कभी भी मल्टीपल स्किल्स की तरफ मत जाएं ये एक बहुत बड़ा गोल्डन पॉइंट है जिसे मैक्सिमम लोग गेट नहीं कर पाते आपने एक वक्त में एक स्किल चूज करना है यू नॉट

इन हो सकते हैं ओके व्हाट डू यू नीड फॉर जंपिंग इनटू द मार्केट ये हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन कुछ चीजें एडिशनल स्किल और स्किल सेट फॉर एग्जांपल कुछ स्किल्स होते हैं जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते इसलिए उसे स्किल सेट कहा जाता है कंटेंट राइटिंग आती है तो फिर आपको कॉपीराइटिंग भी आनी चाहिए दीस टू आर डिफरेंट और इसी तरह एक स्किल या एक से ज्यादा स्किल्स कुछ ऐसे जो जिनका एक दूसरे के साथ अटैच होना जरूरी होता है नेक्स्ट पोर्टफोलियो आपका अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एक इंपल्सिव im, किस्म का पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है ताकि आप मार्केट में जाकर ऐसी जंप लगाए कि जो आपको एक सक्सेस के कॉर्नर को कम अज कम अचीव करने में हेल्प करे an amazing proposal in our cover letter um, i think if you don't have portfolio you can get the job with this point with a great great cover letter this is my personal experience uh, we have got a corporate level job on upwork without any portfolio we just uh, used our cover letter and later yes we have given multiple interviews to uh,

100% श्योर के साथ श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इफ यू आर एक्सपर्ट इन राइटिंग कवर लेटर्स राइटिंग अमेजिंग प्रपोजल्स देन यू सम यू डोंट नीड पोर्टफोलियो इफ यू डोंट हैव पोर्टफोलियो देन यू कैन वर्क ऑन योर कवर लेटर इफ यू हैव पोर्टफोलियो देन यू मस्ट नो कि उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए और कवर लेटर इज मैंडेटरी आप ग्रेट कवर लेटर एंड अमेजिंग प्रपोजल इज मैंडेटरी आईड स्किल और स्किल सेट एम आई गो ओके आप स्किल और स्किल सेट को कैसे चूज कर सकते हैं फोकस कैसे कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट थ्री क्विक पॉइंट्स है मेरे पास जिनके ऊपर काम करके आप ये चीज कर सकते हैं व्हाट स्किल एक्साइट्स यू अगर आपको नहीं पता बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्या करूं, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूं, लेकिन मैं करूं क्या देखिए सबसे पहले प्लीज 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 इस क्वेश्चन का आंसर अपने दिल से पूछिए अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं कौन सा स्किल है जो आप गेन करके जा सकते हैं देखिए पहला क्वेश्चन तो ये कि आप कौन सा स्किल ले सकते हैं या आपके पास कौन सा स्किल ऑलरेडी है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या वो स्किल ऑनलाइन मार्केट प्लेस में वर्क कर सकता है फिर नेक्स्ट चीज आती है आप कहें मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दिस इज द थिंग आप ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ मुझे बताएं मैं क्या करूं ऐसे नहीं है यू नीड टू आस्क ऑस्ट यू नीड टू फेच आउट द मेन स्किल जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाला है ये इंस्टिंक्ट हर इंसान के अंदर है कुछ ना कुछ लाजमन होता है उसको फाइंड आउट करने वाली जिम्मेदारी आप खुद उठा सकते हैं कोई दूसरा नहीं उठा सकता चाहे आप जितनी मर्जी काउंसलिंग ले लें एनी मेरी तरफ से जो गाइडलाइन है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू के यू कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको आप सुनते जाएं आपका दिल करता है कि ये मैंने करना है अच्छा मजे की बात ये कि मुझे लाइफ में दो स्किल्स ने बहुत ज्यादा एक्साइट आपकी आम, आपकी हेल्प के लिए मैं बताने चाह रही हूँ अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते आपको नहीं पसंद तो फिर आप राइटिंग आपके लिए मुश्किल चीज हो जाएगी बिकॉज आई बिलीव राइटर वही अच्छा होता है जो कभी अच्छा रीडर रहा हो तो अगर अच्छे रीडर हैं आप तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं ओके okay, मुझे जो दो स्किल्स एक्साइट करते थे दैट राइटिंग एंड वेब डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग एंड अलहमदुलिल्ला आई हैव गेट मास्टर्ड ऑन बोथ स्किल्स टाइम बाय टाइम क्योंकि राइटिंग में शौक से करते 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 प्रोफेशन में आ गई सो आई देखें कि कौन सा स्किल आपको एक करता कहता है मेरे सामने जैसे ही वेब डेवलपिंग की बात आती है मेरे कान खड़े हो जाते हैं टोटली मेरा जो फोकस है वो टोटली वहां चला जाता है मैं मेरी सारी अटेंशन वहां चली जाती है चाहे मुझसे बात हो रही हो या ना हो रही हो लेकिन इस स्किल के हवाले से जब भी बात होगी मेरा माइंड उस साइड पे चला जाएगा राइटिंग की जब भी बात होगी मेरा माइंड उस साइड पे चला जाएगा एमेजॉन कॉपी राइटिंग की बात होगी डेफिनेटली माइंड जाएगा तो यू नो यू नीड टू नो एक्चुअली वट स्किल एक्साइट यू ओके नेक्स्ट हाउ टू लर्न न्यू स्किल आपको पता चल गया स्किल आप कैस कौन सा स्किल है जो आपको एक्साइट करता है और आपने कौन सा स्किल लर्न करना है नेक्स्ट स्टेप आता है कहाँ से कैसे लर्न करना है तो प्लेटफॉर्म बहुत से हैं फॉर एग्जाम्पल डीजी मास्टर्स पे आप लोग ऑलरेडी लर्न करने के लिए आए हैं और जो हम लोगों ने आपको मास्टर क्लास की फाउंडेशन शो करनी थी प्रेजेंट करनी थी वो हम सारी फाउंडेशन आप लोगों को लर्न करवा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने सब वीडियोस ध्यान से सुनी है उनको इम्प्लीमेंट किया है तो इसका मतलब है आप वो स्किल्स न्यू स्किल्स लर्न कर चुके हैं तो एक तो ये कि आपने सर्च करना है इंटरनेट इज द बेस्ट सोर्स YouTube is the best source. आपके अंदर patience होना चाहिए आपके अंदर eagerness होनी चाहिए अपने अंदर, आपके अंदर इतना potential हो कि आप चीजों को search कर सकें online और आपके अंदर इतना लगन होनी चाहिए कि आप लोग ये ना सोचें कि यार आज मैंने पांच घंटे दिए बस काफी है या आज मैंने एक घंटा लगा लिया, बस आज का कोटा पूरा हो गया नो इट्स नॉट लाइक दैट आप जब न्यू स्किल लर्न करें और वो आपकी मतलब का स्किल है तो फिर आप डेफिनेटली उसे अपना फुल टाइम देते हैं देखिए अगर ऐसा स्किल है जो आपका शौक नहीं है तो मत उसको आप लर्न कीजिए क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट आई हैव आप वो चीज जो आपकी पसंद की होती है आप वन मंथ के अंदर बड़े से बड़ा स्किल लर्न कर सकते हैं आई हैव लर्न वर्क इन ओनली 20 डेज एंड आई आई गॉन्ट एक्सपर्ट इन इट आप लोग नहीं कर सकते बस आप लोगों का शौक आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा स्किल आपको आसानी से होगी बेस्ट सोर्स टू गेट स्टार्टेड एंड इफ यू वांट टू लर्न दिन स्किल्स यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेडी हाउ टू प्रैक्टिस स्किलेटली आपने स्किल चूज किया लर्न किया अब उसको प्रैक्टिस करने की बारी है प्रैक्टिस कैसे करना है हर स्किल का अपना एक प्रैक्टिकल फील्ड होती है आपने उस फील्ड पे खड़े होके स्टेज पे खड़े होकर आपने परफॉर्म करना है वो प्रैक्टिस ही होगी प्रैक्टिस के लिए आप कंप्लीमेंट्री uh, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं स्टार्ट में um, आप प्रैक्टिस वैसे uh, हमने जब स्टार्ट लिया था जिस वक्त मैंने स्टार्ट लिया था उस वक्त ये था कि ऑनलाइन uh, प्लेटफॉर्म सिर्फ दो ही थे एंड e और उस उस वक्त वक्त इतने एक्सपर्ट लोग भी नहीं होते थे इसलिए इस प्रैक्टिस इजी होती थी क्लाइंट ज्यादा थे फ्री uh, कम थे उस इस वक्त uh, इसलिए काम चल जाता था बट इट्स वेरी वेरी हार्ड नाउ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल अगर आपको स्किल के ऊपर कमांड है देन यू मस्ट नो कि आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए और जिनका इतना एक्सपोजर है कि उन उन्हें अपने स्किल की समझ है और वो अपने स्किल को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं तो वो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से कर सकते हैं उनको समझ आ जाती है अगर आप हमारी पिछली वीडियोस के थ्रू amazon स्किल्स को अच्छी तरह लर्न कर चुके हैं तो आप लाजमन जानते होंगे कि इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है ओके नेक्स्ट मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन फ्रीलांसिंग ये वो मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली करते हैं फ्रीलांसर्स और उन्हें पता भी है कि ये मिस्टेक्स हो रही हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो उसको ओवरकम नहीं करते और यहीं से उनके जवाल का टाइम स्टार्ट होता है देखिए रेपुटेशन इज एवरीथिंग ये गोल्डन वर्ड्स है रेपुटेशन इज एवरीथिंग ऑनलाइन फ्री करने जा रहे हैं तो रेपुटेशन इज एवरीथिंग योर नेम इज एवरीथिंग सो अच्छा यहां पे कुछ मिस्टेक्स चेंजिंग योर रेट्स अगेन एंड अगेन देखिए एक ही दफा प्लान आउट करें अपने स्किल सेट को देखें कोई स्किल इसमें से कोई एक टास्क टाइप ऑफ टास्क जो आप समझते हैं कि ये इसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए उसका रेट रख लें मार्केट को भी थोड़ा सा देख लें विजिट कर लें कभी भी अपने रेट्स को मार्केट uh, से डाउन नहीं करना ये याद रखिएगा एवरेज रेट्स के साथ आप चल सकते हैं लेकिन डाउन नहीं करना वरना आप अपनी रेपुटेशन खराब करें आप अपना नाम ही ऐसा बना रहे हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी अच्छा पे करने वाला क्लाइंट अप्रोच नहीं करेगा नेक्स्ट यू डू नॉट केयर अबाउट रेफरल्स मैक्सिमम लोग ये पॉइंट मिस करते हैं सॉरी <coughs> मैक्सिमम <I'm sorry. coughs> लोग ये पॉइंट मिस करते हैं कि वो रेफरल्स को फॉरगेट कर देते हैं आपने अगर किसी के साथ काम किया तो उसका रेफरेंस जरूर दीजिए कोई उसका कांटेक्ट लिंक कुछ भी रेफरेंस जरूर साथ दीजिए ये ग्रेट ग्रेट पॉइंट है प्लीज इंक्लूड इट ओके नेक्स्ट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसी चीज है जो इस्लाम में आपको वाजिया कहा गया है कि भाई के साथ भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो जब भाई के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो गोरे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा बताएं अपनी शराय कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फ्रीलांसिंग कीजिए ओवरफ्लोइंग प्रोजेक्ट्स एक से ज्यादा आपके पास इतना टाइम नहीं है जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आउटसोर्सिंग आपको आती नहीं है आपने सीखी भी नहीं है कि आप ओवरफ्लोइंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें तो इतना लें जितना आप एक वक्त में अपने अंदर समा सकें प्लेट को इतना भरें जितना आप खा सकें ओवरफ्लो प्लेट तो कचरे में ही जाएगी ना तो अगर आपके ओवरफ्लो प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो भी कचरे में जाएंगे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे कैंसिल होंगे और कैंसिलेशन आपकी प्रोफाइल जीरो कर देती है ओके नेक्स्ट सिटिंग एंड वाचिंग वर्क विल कम कम्बाइड साम आप बैठे हुए हैं आपने गिग्स लगा दी दिए या आपने प्रोफाइल बना दी है जॉब पेपर के ऊपर अप्लाई कर दिया है

आप घर के अंदर बैठे रहे और सोचते रहे कि कोई आएगा और आपको काम दे देगा कैसे जब आपने बाहर निकल के किसी को चेहरा ही नहीं दिखाया किसी को पता ही नहीं है कि आप भी हैं तो वो कैसे करेगा सो मार्केटिंग इज मस्ट आपको मार्केटिंग मार्केटिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा ये वो मिस्टेक है जो बहुत सारे क्या मैक्सिमम फ्रीलांसर्स करते हैं और जो जो फ्रीलांसर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है उनके पीछे मेन रीजन यही है कि वो मार्केटिंग करते हैं और डेफिनेटली मार्केटिंग के लिए उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है हाउ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड अब क्राउड है इतने फ्रीलांसर्स हैं कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आपको स्टैंड आउट करते हैं ये गोल्डन पॉइंट्स हैं गाइस इनको सिर्फ रीड करके कह दीजिएगा के कह देना के ये तो हमें पहले से पता थे इनमें ऐसी कौन सी बात है पता तो होते हैं लेकिन उनके ऊपर उनको अप्लाई करना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम आकर आपके हाथ पकड़ कर ये चीजें अप्लाई नहीं करवा सकते आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि प्लीज डू इट डू इट अपना रिस्पांस रेट सुपर रखिए क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहिए प्रोफेशनल अप्रोच रखिए कोई भी ऐसी शो करने की जरूरत नहीं है जो अननेसेसरी हो, प्रोफेशनल अप्रोच रखिए पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए मेंशनिंग प्रोजेक्ट डिलीवरेबल जो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि आप करते क्या है और क्या क्या देते हैं डिलीवरेबल्स में कौन कौन सी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट कवर लेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें आपका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है cover letter अच्छा नहीं होगा, तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला गाइस मेक श्योर आप इन पॉइंट्स को अपने सामने रखें और इनके ऊपर वर्क करते हुए अपनी प्रोफाइल बनाएं। फ्रीलांस जॉब स्काउटिंग अब आपने जॉब सर्च करनी है फेक और रियल जॉब्स में कैसे आप फर्क करेंगे देखिए फेक और रियल का भी पहले मैं आपको बता दू कुछ जॉब्स फेक क्यों होती हैं आजकल एक बड़ा सिस्टम चला हुआ है कि हम देखेंगे कि बहुत से लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो देखने के लिए दूसरों का दूसरों के आ, कि कैसे वो कवर लेटर राइट करते हैं उनके सैम्पल्स के लिए या इसी तरह के के लिए तो आपने फेक और रियल जॉब्स में कैसे रियलिएट करना देखिए इसका भी कोई तरीका नहीं है क्लाइंट अच्छा होता है लेकिन उसको फ्री लांसिंग मार्केट प्लेसेस यूज करना नहीं आती होती जिसकी वजह से वो आम, वो पॉइंट्स नहीं कवर uh, कर पाता जो मैं अभी आपसे बता आपको बताने जा रही हूँ इसलिए हम फेक और रियल जॉब्स में सेंस uh, नहीं मेक कर पाते लेकिन फिर भी जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ फेक जॉब्स एक तो देख लें कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो uh, कुछ डॉलर स्पेंड हुए हुए हो जायरा स्पेंड तभी होते हैं जब पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो और देख लें अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है तो हायरिंग उसने उससे पहले की है या नहीं की अगर हायरिंग रेट बहुत कम है जॉब ज़्यादा ओपन है है और हाइरिंग रेट नहीं है, तो इसका मतलब है वो नहीं करता उसका कोई और ही काम है एनीवेज इसी तरह आप कंट्री देख के भी एक होता है कि कभी कभी आपका एक्सपीरियंस कुछ कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ अच्छा ना रहा हो तो उसको भी एक दफा देख लिया करें और सेकेंड uh, um, इसी तरह से आप रियल जॉब्स का आइडिया लगा सकते हैं अगर आप अच्छी हायरिंग और ज्यादा मनी uh, स्पेंड देखें इसका मतलब है कि एक बहुत अच्छी कंपनी एक प्रॉपर सेटअप को आप हिट कर सकते हैं तो उसी लिहाज से फिर आप अपना प्रपोजल एंड कवर लेटर भी मैनेज कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं और विच प्रोजेक्ट शुड वी टेक प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर बीटिंग देखिये आपको पता है आपके स्किल्स कौन से हैं कौन से स्किल्स में आप सब फ्रीलांसर्स को मात दे सकते हैं आपने वो प्रोजेक्ट लेना है जिसका एवरेज सिंगल पॉइंट आपके स्किल सेट के साथ मैच करता हो। कभी भी कुछ भी लीव नहीं करना कि सिक्स पॉइंट्स लिखे हुए जिनमें से फोर आपके स्किल सेट के साथ मैच करें दो नहीं करे आप कहेंगे कोई नहीं ये दो कवर हो जाएंगे ये फोर में मैं एक्सपर्ट हूं ऐसा नहीं है देखिए क्लाइंट ने जब पॉइंट लिखा है कोई तो उससे वो सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए हाँ अगर आप फिर भी समझते हैं कि वो दो पॉइंट्स आपकी नजर में इग्नोर हो सकते हैं तो आप अपने कवर लेटर में इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि मैं इन फोर में एक्सपर्ट लेवल पे हूं और बाकी टू में आप उसको बिगनर कह सकते हैं या जिस तरह से भी कवर करना चाहें लेकिन क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आपके स्किल सेट में एक्सपर्टीज आपकी कौन सी है अच्छा विच प्रोजेक्ट शुड वी टेक एक तो ये कि वो प्रोजेक्ट जिसके तमाम पॉइंट्स आपके स्किल सेट से मैच करते हो फिर दूसरा वो प्रोजेक्ट जिसमें आ, अगर क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि मुझे पाकिस्तानी नहीं चाहिए या आ, मुझे यूरोप का बंदा चाहिए तो फिर वहां पे टांग मत आए आप ऐसी जगह पे मत अप्लाई करें क्योंकि जो क्लाइंट है वो तो कहेगा कि मैंने टॉप पे लिखा हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए यूरोप से हट के कोई भी फ्रीलांसर तो ये क्यों है अप्लाई वो फिर नेक्स्ट टाइम देखेगा ही नहीं आपकी प्रोफाइल को इसीलिए देख लें कि आप क्या फुलफिल कर रहे हैं तमाम रिक्वायरमेंट्स जो उस प्रोजेक्ट के लिए अगर कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए नेक्स्ट विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर बिडिंग देखें जो प्रोजेक्ट आप उठा सकते हैं टेक कर सकते हैं वही बेस्ट प्रोजेक्ट है बिडिंग के लिए और प्राइसिंग जरूर देखें कि उसका बजट क्या है क्या वो वर्क लोड के साथ मैच करता है या नहीं करता क्या क्लाइंट uh, का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं या, और इसी तरह के दूसरे पॉइंट्स देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट टेक करना चाहिए या नहीं और बिडिंग करनी चाहिए या नहीं ओके okay. पोर्टफोलियो जो मोस्टली का ख्याल होता है पोर्टफोलियो के वाले से कि हाउ कैन आई सक्सीड ऑन फ्रीलांस मार्केट प्लेस विदाउट पोर्टफोलियो क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास यूज किस्म का पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे फिर कोई कहेगा कि मैं तो न्यू हूँ मार्केट प्लेस पे तो मेरे पास तो कोई एग्जाम्पल्स नहीं है प्रीवियस वर्क शो करने की फिर क्या करूं नेक्स्ट राइटर्स एंड डिजाइनर्स कैन शो ऑफ वर्क बट आई कान बिकॉज आई एम अ आपर लॉयर डेवलपर वर्चुअल असिस्टेंट अदर नॉन क्रिएटिव टाइप सो ऐसे लोगों के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए फिर I I I have done some relevant work. I wish I could show, but it was for my or previous client, and I can't use it on my, in my portfolio because जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें साइन हुआ था कि मैं शेयर नहीं करूंगा वर्क किसी के साथ तो मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं बन सका अब क्या करूँ तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं न्यूबिस के जब वो ऑनलाइन आते हैं और पोर्टफोलियो नहीं होता कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही न्यू स्टार्टअप स्टार्टअप है काम नए स्टार्ट से करना चाह रहे हैं जबकि कुछ लोग वो हैं जिनका एक्सपीरियंस तो है लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे वो न्यू है आइट पोर्टफोलियो right, क्या करना है पोर्टफोलियो का इवन इफ यू हैव एन येट अगर आपने अभी तक ऑनलाइन काम नहीं किया और आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं ओके डोंट हैव यू एवर डोंट यू हैव योर ओन सैंपल जस्ट क्रिटिक work. वर्क क्रिटिक else's वर्क एक टेक्निक है कि किसी और के काम को आप रिव्यू uh, कर सकते हैं उससे भी आपकी स्किल्स का पता चलता है कि ये स्किलफुल पर्सन है ये इस आ, के काम को रिव्यू कर करे इसका मतलब है क्रेडिट आप उसी को दें जिसका काम है लेकिन आप उसको रिव्यू कर लें तो उससे आपकी एक्सपर्टीज भी शो हो जाती है एक तो ये तरीका दूसरा पोर्टफोलियो सैंपल्स डोंट ऑलवेज नीड टू बी फिनिश्ड प्रोजेक्ट आपके पास जो पोर्टफोलियो सैंपल्स हैं जरूरी नहीं है उनका कंप्लीट वो कंप्लीट पैकेज हो ही तो चलेंगे अगर वो इतना पैकेज है जो क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए इनफ है तो इनफ है आप उसको कॉन्फिडेंटली पेस्ट uh, कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल uh, के साथ शो द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क इवन इफ दे आर नॉट हार्ड वर्क अपने काम का रिजल्ट शो करें चाहे वो रिजल्ट कोई बहुत बड़ा नाम भी हो फॉर एग्जांपल आप पीपीसी एक्सपर्ट हैं तो रिजल्ट शो करें क्लाइंट को दिखाएं कि मैंने इस इस तरह से ये प्रोडक्ट ऐसे थी मैंने इस पे इस तरह से फ्लां फ्लां स्ट्रेटेजी यूज करके किया अगर आपको लगता है कि उसका रिजल्ट ठीक नहीं है तो आप बता सकते हैं कि मैंने क्लाइंट को स्टार्ट में बताया था कि ये रिजल्ट इस तरह से टेंड हो जाएगा और उसकी रीज़न ये ये होगी तो आप इस तरह से भी फिर अपना जो रिजल्ट वर्क है वो शो कर सकते हैं राइट मिनी केस स्टडीज अगर हेल्प किया शेयर कर सकते हैं केस स्टडीज uh, आपको हेल्प करेंगी अः एटलीस्ट क्लाइंट के सामने कुछ होगा अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे कोई सैंपल नहीं है तो एटलीस्ट एक केस स्टडी दे दें ताकि क्लाइंट को पता हो कि अच्छा इसने काम किया हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ भी है इसको सेंस भी है कि कौन कौन से डिलीवरेबल होते हैं और उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है नेक्स्ट यू कैन यूज स्क्रीन फॉर मोर देन जस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो क्रिएटिव uh, नहीं है आपकी सॉरी uh, जो मोर देन जस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं आप उनके स्क्रीनशॉट्स दे सकते हैं यानी जिनको आप अम्म जिनका कोई कुछ भी रिजल्ट शोकेस नहीं कर सकते उनका स्क्रीनशॉट लेके दे लेकर देने अच्छा ये तरीके इनमें से कुछ आपको पता भी होंगे तो जरूरत यह है कि आप उनको यूज करें यूज करेंगे तो ही कुछ हो सकेगा आप पोर्टफोलियो वाला आ, पार्ट बिल्कुल ही एम्प्टी रख देंगे तो फिर इट्स नॉट कन वर्क ओके ये एक आ, केस स्टडी है हमारे सामने यूट्यूब एस सी ओ एंड मार्केट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटी के ऊपर है एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इंटरनेट मार्केटिंग रिपोर्ट बिजनेस कोचिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब ओके केस स्टडी आप इस तरह से कर सकते हैं ये एक सैंपल है इंटरनेट से मैंने लिए आप लोगों को हेल्प करेगा मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने ले लिया अ क्लाइंट ऑफ माइंड यूट्यूब चैनल सो अ आवर मार्केटिंग कंसल्टेशन कॉल विद मी क्योंकि कंसल्टेशन कॉल का आप नई सैंपल दे सकते किसी ने आपको सिर्फ कॉल किया कंसल्टेशन पे किया आपका क्लाइंट भी आ गया वर्क भी किया आपने उसको कंसल्टेशन uh, की जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड की तो ए, आप, आपका राइट right बनता है कि आपके पास कुछ हो जो आप नेक्स्ट क्लाइंट को शो कर सके तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि केस स्टडी राइट कीजिए केस स्टडी से क्लाइंट को पता चलेगा कि अच्छा एक कंसल्टेशन कॉल देता है और ये ये पॉइंट्स uh, माइंड में रखता है ये फ्रीलांसर और इसकी ये स्ट्रेटजीज हैं। तो अगर कोई ऐसा काम जो आप सैंपल्स नहीं शो कर सकते तो स्टडीज़ बिग हेल्प। ओके जी। लास्ट बट नॉट फेमस फ्रीलांसिंग मार्केट्स। नो डाउन ट्राई एवरी सिंगल थिंग और देखें कि कौन सी मार्केट प्लेस पे अल्लाह ने आपका रिस्क रखा हुआ है रिस्क को सर्च करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है ये आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस हैं आप ट्राई एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइवर अपर फ्रीलांसर डॉट कॉम मैंने यहाँ फ्रीलांस लिख दिया इट्स फ्रीलांसर डॉट कॉम इन्वेटर स्टूडियो जो कि एप डेवलपमेंट एनिमेशन और वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड सब कुछ है उस पे, पर पीपल पर आर टॉप्ड है बहुत अच्छी साइट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं हायरिंग के लिए क्लाइंट्स लेकिन इनका एक आ, अपना इंटरव्यू टेस्ट टाइप इंटरव्यू है अगर ये सेटिस्फाई हो तो ठीक बना ये सिक्स मंथ के लिए बैन कर देते हैं आप लोग दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते गुरु.com है आ, वैसे तो इस पे सब के सब स्किल्स चलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो स्किल्स इन है इस पे वो डिजाइनिंग और डेवलपिंग है ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग इस तरह की डिजाइन क्राउड भी डिजाइनर्स uh, के लिए नेक्स्ट डॉट कॉम एक इसी तरह की अपक फाइबर जैसी बहुत अच्छी साइट है इसको विजिट कर लें डिजाइन कॉन्टेस्ट मुझे बहुत पसंद है डिजाइन uh, कॉन्टेस्ट पसंद इसलिए है कि अगर आप न्यूबी हैं, जाए क्लाइंट ने जो पोस्ट की हुई है उस पर देखें फॉर एग्जाम्पल लोगो है क्लाइंट आते हैं साइट पे और कॉन्टेस्ट रन करते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल एक क्लाइंट है उसने कहा है कि मैं अपनी कंपनी का लोगो बनाना चाहता हूं और आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे लोगो में ये ये फील आनी चाहिए ये ये कलर यूज होने चाहिए शो हो जाए तो अच्छा है आपने सारी रिक्वायरमेंट्स नोट करनी है फिर आपने लोगोस डिजाइन करने हैं कुछ और उसकी पोस्ट के नीचे अपलोड कर देने हैं तो कॉन्टेस्ट रन होगा क्लाइंट देखेगा उसे जिसका पसंद आएगा लोगो, उसका वो लेगा ले और उसको पेमेंट कर देगा इसका फायदा ये है क्या आपको यहाँ पे अच्छी पेमेंट वाले लोग मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आते हैं अच्छी प्राइस ऑफर करते हैं और जो उनको बहुत सारे सैंपल्स होते हैं उनमें से जो चीज पसंद आई वो रख ली एंड उसी को पे कर दिया ओके जी नेक्स्ट हाई रेबल है इसी तरह की एक बहुत अच्छी साइट है अगर आप राइटर हैं तो आपके लिए राइटर एक्सेस एक बड़ा अच्छा सोर्स है 99 really like Bark, Design Hill, Skyward अभी आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके सारे नोट कीजिए मार्केट प्लेसेस के नेम्स और इन सब को जाके ट्राई कीजिए अच्छे से पोर्टफोलियो प्रोफाइल और प्रोपोजल होना चाहिए जिसको देख क्लाइंट uh, के दिल में बात आए कि मैंने इसी भी को लेना है और जी नेक्स्ट व्हाट विल यू लर्न इन नेक्स्ट वीडियो यानी आज के लिए बस मैं भूल चुकी थी कि हमारी वीडियो फिनिश होने वाली है That's great. आज के लिए इतना काफी इस वीडियो के बाद जो वीडियो होगी उसमें आप लोग देखेंगे कि प्रोफाइल हैक्स कुछ आपको मैं बताऊंगी शेयर करूंगी आई एम श्योर के आप, uh, आप, sure आप लोग थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग के हवाले से जान चुके होंगे कि फ्रीलांसिंग कौन लोग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं और फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, हैं इंपॉर्टेंट है अच्छा जी नेक्स्ट अपर कैटेगरी सीक्रेट्स कैटेगरी के, के बारे में कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगी आपके साथ फाइव सुपर प्रैक्टिकल हैक्स टू योर कैरियर ऑन अप पांच ऐसे हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिकल हैक्स जो आप देन कर सकते हैं कि वो आपको अपक पे कैरियर बनाने में कि दे सकें आपको एक अच्छा बेटर स्टार्ट दे सकें जि, जिसको यू, इन में से मेरे ख्याल से आप अगर इन हैक्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं आप वक्त पे सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अपनली मेरे साथ रहना है आपने प्रोफाइल्स बनानी है अच्छा यहाँ पे अब चूंकि प्रोफाइल बनाने की आईडी बनाने की बात आ गई है तो डिजी मास्टर्स नोस हाउ टू गेट अप्रूव एज सदी मिर्जा के हम ये जो अप्रूवल का तरीका है ये यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे उसकी रीजन ये है कि हमारा जो एथिक्स वाला पार्ट है डीजी मास्टर्स यू नो वेल नॉलेज स्किल एथिक्स का एक कम्बिनेशन है ग्रेट कम्बिनेशन है तो हम अपने एथिक्स वाले पार्ट को रिमूव नहीं करना चाहते हम उसको अपने साथ रखना चाहते हैं इसलिए हम आ, अपक अप्रूवल के जो रॉन्ग वेज हैं उनको शेयर नहीं करेंगे फिर भी इफ यू नीड हेल्प यू कैन आस्क मी ओके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिकल हैक्स हम लोग शेयर करेंगे एक दूसरे साथ और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपक पे अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकते हैं सो so, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इस सब प्रोसेस को एक अच्छे एंड तक लेके जाते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड अल्लाह हाफिज